इसका जो हेयर है देखो, ये आजकल के जमाने का बॉयज का हेयर स्टाइल के साथ मैच हो रहा है। ये देखो एकदम फ्रेश स्नो है, और टाइमिंग इतना अच्छा है हमारा कि हम यहाँ पे आके ही स्नोफॉल मुझे हमें मिल गया। गाइस ये है बाबा हरभजन सिंह, जिसके जिनके बारे में बहुत ही फेमस कथा है बोली गई है। गाइस जो 12,300 फीट की ऊंचाई पे है, मेरे पीछे जो देख रहे हो वही है। सो गुड मॉर्निंग फैमिली, कैसे हो तुम सब, एंड वेलकम टू पार्ट 3 ऑफ नॉर्थ सिक्किम सीरीज। आज हम जा रहे हैं छंगु लेक बाबा मंदिर नथुला पास। आज जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है उसके अकॉर्डिंग बहुत स्नोफॉल हुआ है नथुला पास में, या फिर छंगु लेक में भी बहुत स्नोफॉल हुआ है, तो हमें 99% चांस है कि पूरा स्नो दिखेगा। अभी हम यहाँ से जाएंगे गाड़ी पकड़ के, होटल द्वारा प्रोवाइडेड है सब गाड़ी एंड ऑल, ये पकड़ के मतलब उस गाड़ी में बैठ के ही, मतलब वो 7-सीटर गाड़ी है, आई थिंक बुलेरो मैक्स या फिर इनोवा कुछ आएगा, जो भी आएगा आपको दिखाऊंगा, उसमें हम बैठ के जाएंगे डायरेक्ट छंगु लेक सबसे पहले। एंड एक और चीज़ मैं बता दूं, नथुला पास इंक्लूडेड नहीं रहता है किसी भी पैकेज में। नथुला पास जाने के लिए ड्राइवर को एक्स्ट्रा 3,000 पर गाड़ी देना पड़ता है, मतलब अगर आप 7-8 जन जाओगे तो पर हेड 300-350-400 ऐसा कुछ पड़ेगा, तो 3,000 to 3.5K तक मैक्स जाता है उसका प्राइस। गाइस ये है हमारा ब्रेकफास्ट आज का, ये आलू का पराठा, एंड यहाँ पे सॉस है, यहाँ पे अचार है, ये टमाटर, ये खीरा और ये प्याज। तो ये ब्रेकफास्ट करके हम जाएंगे टुवर्ड्स छंगु लेक। तो ठीक है, थोड़ा सा मैं खा के बता देता हूँ कि कैसा है। जैसे मैंने बोला था, इस होटल का खाना, इस होटल के खाने में घरेलू स्वाद है, आलू का पराठा भी वैसा ही है, अच्छा है। एजेस आर क्रंची, ये बाहर का जो एजेस है वो क्रंची है, अंदर से पूरा धुआं निकल रहा है देखो। तो ठीक है, जल्दी इसको फिनिश करके मिलता है। सो गाइज हमारा गाड़ी आ चुका है, ये वाला है गाड़ी जो जाएगा, ये देखो ये सुमो गोल्ड, और ये है गाड़ी का नंबर, और इसमें 7-सीटर ऑलरेडी है। और गाड़ी के साथ जो भैया जाएंगे वो ये है जो भाई। हेलो हेलो भैया, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, आज हम कहाँ जाएंगे? आज हम बाबा मंदिर और छंगु लेक। बाबा मंदिर छंगु लेक, अच्छा फिर वहाँ से अगर हम जाएंगे तो नथुला पास भी हो जाएगा जी, वो उनके लिए परमिशन निकालना पड़ेगा, परमिशन निकालना पड़ता है। गाइज हम निकल चुके हैं टुवर्ड्स छंगु लेक, एंड गैंगटॉक, मेन गैंगटॉक से छंगु लेक का जो डिस्टेंस होता है वो है 36 किलोमीटर, एंड छंगु लेक से बाबा मंदिर का जो डिस्टेंस है वो है 19 किलोमीटर। सो टोटल अगर इनको, मतलब बाबा मंदिर प्लस छंगु लेक को अगर हम टोटल कर ले तो लाइक 59 किलोमीटर्स आएगा सब कुछ मिला गया, क्योंकि कुछ नया रास्ता भी ऐड हुआ है, तो जिसमें 5-6 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाएगा, क्योंकि गाड़ी सब गाड़ी उस रास्ते से घुमा के वो लोग वहाँ पे भेज रहे हैं, कुछ क्योंकि कुछ काम चल रहा है, काम चल रहा है ना, इसलिए। अच्छा मतलब वो पहले जिसे जाते थे वो बंद हो चुका है, नया रास्ता से जाते हैं। ओके, तो मैंने सिर्फ ये जो इन्फॉर्मेशन दिया वो दैट इज़ फॉर छंगु लेक एंड बाबा मंदिर। तो अगर आप वहाँ पे जाओगे तो टोटल 60 किलोमीटर लेके चलना, एंड टाइम लगेगा यहाँ से छंगु लेक, MG मार्ग से छंगु लेक आपको लगेगा 2 घंटा, एंड छंगु लेक से बाबा मंदिर आपको लगेगा कितना, वहाँ से 25-30 मिनट, वो वाला डिस्टेंस कम है, लेकिन मेन गैंगटॉक से छंगु लेक का डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है, 2 घंटा लगेगा। गाइस हमारा अभी परमिट वर्मिट सब चेक हुआ यहाँ पे, जब ये क्या जगह का नाम था भैया? थॉट माइल चेक पोस्ट। अच्छा थॉट माइल चेक पोस्ट, ये जगह का नाम था जहाँ पे हमारा परमिट चेक होता है। नथुला जाने के लिए जो एंट्री टिकट होता है वो है 20 रुपीज़ पर पर्सन, तो हम 7 जन हैं तो 140 रुपये हमसे लिया गया, क्योंकि वो मैंडेटरी है नथुला घुसने के लिए, टिकट्स देना पड़ता है, तो हमने वो भी दिया, एंड परमिट इज़ ऑल क्लियर, क्योंकि वो होटल से ही हमारा परमिट किया गया था। कोरपुट जो होता है वो मिल जाएगा, पॉपकॉर्न मिल जाएगा, चॉकलेट्स मिल जाएगा, ये सब मिलेगा आपको, ताकि ऊपर जाके आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम में थोड़ा मदद मिल सके। बट द थिंग इज़ थोड़ा ज़्यादा महंगा होगा, बिकॉज ऑफकोर्स यहाँ पे ये लोग
सेल कर रहे हैं तो थोड़ा ज़्यादा प्राइस लेके ही सेल करेंगे, तो इससे अच्छा है कि आप घर से ही लेके आओ। जैसे हम लेके आए थे घर से कर्पूर, फिर ऑक्सीजन सिलेंडर, हम सब लेके आए हैं, लेकिन फिर भी एक एक छोटा सा कंटेनर कर्पूर का हमने ले लिया। तो ठीक है, चलो मिलते हैं। गाइज, हम अभी छांगू लेक जा ही रहे थे, मेरे सामने एक सीनरी है, ये वाला फ्लैग जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला फ्लैग, ये वाइट कलर का फ्लैग जो आपको दिख रहा है, इनके पीछे एक कहानी है। तो मुझे ड्राइवर भैया ने बोला इसके पीछे जो कहानी है वो ये है कि बुद्धिस्ट पीपल जो है उनके घर में अगर कोई डेथ हो जाता है तो वो ये वाला फ्लैग लगाते हैं। और ये वाला फ्लैग्स में देखिए आपको दिखेगा कि ऑरेंज कलर का कुछ कुछ चीज़ बंधा हुआ है, मतलब ये शनि ग्रह या फिर दूसरा जो प्लैनेटरी वो ग्रह है उनसे, उनके पाप से बचने के लिए ये लगाया जाता है। तो ये जितना भी है ये बुद्धिस्ट पीपल ने ही लगवाया है, मतलब उनके घर में अगर कोई गुजर जाता है तो ये लगाने से उनके आत्मा को शांति मिलती है। हर साल 108 फ्लैग्स लगाना होता है उनको, और ये एक पवित्र जगह में लगाना होता है। तो ये पहाड़ है तो पवित्र जगह है तो यहाँ पर लगाया गया है। यही एक इन्फॉर्मेशन था, आपको पता था तो कमेंट में बोलना, नहीं पता था तो लाइक कर देना। गाइज, अभी हम आ चुके हैं 15 माइल में, जो यहाँ से छांगू लेक का रास्ता और भी आधा, मतलब हमने हाफ जर्नी कंप्लीट किया है, यहाँ से और भी हाफ जर्नी बाकी है। तो हम अभी एक दुकान पे ठहरे हैं खाने के लिए कुछ, यह है पीछे दुकान जहाँ पे मैगी, ब्रेड ऑमलेट, चाय फाय मिल जाएगा, और आप यहाँ से कुछ भाड़े में भी ले सकते हो, जूता वूता वो सब। और उससे पहले यहाँ का व्यू देखो, जगह का व्यू देखो, यहाँ पे जमा हुआ बर्फ है, दोनों साइड पे पूरा बर्फ जम चुका है, और जितना आगे वहाँ पर तो और भी खतरनाक सीनरी है। वहाँ से हम आए हैं, यहाँ पर रुके हैं, ये है हमारा गाड़ी। अच्छा, एक और चीज़ मैं बोल देता हूँ, अगर आप स्नो बूट या फिर बर्फ़ में चलने लायक जूता नहीं लाए हो तो घबराइए मत, यहाँ पे बहुत दुकान है जहाँ पे मिल जाएगा। अब जब जिस गाड़ी में आएंगे उस ड्राइवर अंकल को बोलना, वो आपको सही दुकान पर ले जाएंगे, क्योंकि नहीं तो आपको आपका जो जूता है, जो जूता आप पहन के आओगे वो जूता बर्फ में पूरा धंस जाएगा। तो ठीक है, अभी मैगी बोला है मैंने, मैगी जाके खाते हैं। एंड एक और चीज़, ठंड बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा पैनिक मत करना, एक्साइटेड मत होना,
क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ब्रीदिंग प्रॉब्लम होता है, और कोरपुर लाना अपने साथ एंड ऑक्सीजन सिलेंडर, क्योंकि कुछ भी कभी भी लग सकता है। जो ज़्यादा ओल्ड एजेड है उनको थोड़ा प्रॉब्लम ज़्यादा होगा, और जो लोग स्मोकिंग ड्रिंकिंग करते हैं उनको थोड़ा ब्रीदिंग प्रॉब्लम आ सकता है, नहीं तो जो नॉर्मल रेगुलर मतलब वॉकिंग करते हैं उनको नहीं होता है। गाइस जैसे कि मैंने बोला था, मैगी मैंने ऑर्डर दिया है, मैगी लेके मैं आ चुका हूँ, एंड पहाड़ का मैगी अभी मैं खाऊंगा। सो ठीक है, मैगी खा के देखते हैं कैसा है। आई थिंक वो लोग कुछ देते हैं मैगी में जिससे इनका स्वाद डबल हो जाता है, इतना स्वादिष्ट है ये मैगी, आई कांट एक्सप्लेन ये कितना स्वादिष्ट है। मैगी कैसा लगा? अच्छा है ना? बहुत अच्छा है, डबल हो जाता है। यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे ऑनियन, फिर मसाला, बाकी फिर मैगी मसाला, ये सब देखिए, और ये व्यू के साथ ये वाला मैगी का स्वाद डबल हो जा रहा है। जितना ही देखो मन नहीं भरता, चलिए जाके मिलते हैं। गाइज फाइनली 2.5 घंटे के बाद हम आ चुके हैं छांगू लेक में, जो 12,300 फीट की ऊंचाई पे है। मेरे पीछे जो देख रहे हो वही है छांगू लेक। हम अभी गाड़ी से उतरे और मेरा इस साइड है पूरा स्नो, मैं जाके दिखाता हूँ आपको छांगू लेक। उससे पहले ये वाला पहाड़ देखो, इसका साइज विशाल है, मैं देखा नहीं पाऊंगा, मतलब जस्टिस नहीं होगा, कैमरे में छोटा लगेगा ऑफकोर्स, ऊपर से वाइड एंगल कैमरा है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से जाके। ये वाला देखो छांगू लेक, अरे वाह गाइज, जो लोग अभी तक नॉर्थ सिक्किम नहीं आए गाइज एक बार आओ, वो देखो वो वाला रोड जाके वो रोड से कनेक्ट हो रहा है, और ये वाला पहाड़ देखो पूरा बर्फ से ढका हुआ है, एंड पानी देखो कितना साफ है। एक चीज़ बोल दूँ, छांगू लेक में बोटिंग नहीं होता है, तो जिन लोगों को लगेगा कि बोटिंग करूँगा, बोटिंग नहीं होगा यहाँ पे, तो ठीक है आपसे आपको अच्छे से दिखाता हूँ। गाइज ये देखो याक, ये याक राइड है, इस पर इसका हॉर्न में जो ये वाला पहना गया है बहुत अलग, इसका जो हेयर है देखो, ये आजकल के ज़माने का बॉयज़ का हेयर स्टाइल के साथ मैच हो रहा है, कितना अच्छा है ये वाला याक। ये यहाँ पे याक राइड हो रहा है। भैया कितना है प्राइस? 100 का है, थोड़ा सा फोटो करा देगा और थोड़ा सा घुमा देगा, फोटो खिंचवा के फिर थोड़ा 2-3 राउंड्स घुमा देंगे भैया, तो 100 रुपीस लेगा। ये सीज़न टू सीज़न वेरी होगा, हर सीज़न में अलग अलग प्राइस रेट्स होता है। तो गाइस जैसा मैंने बोला था, ये छांगू लेक का एक बार व्यू देखो, बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ से। आप जितना टाइम यहाँ पे रखोगे आपका मन नहीं भरेगा, ऊपर से बहुत ही चिल्ड हवा दे रहा है, एक बिजली से काम नहीं हो रहा है। और एक और चीज़ गाइज, ये सब दिख रहा है ना आपको, ये स्नो एकदम फ्रेश स्नो है, मतलब एक घंटे पहले यहाँ पे स्नोफॉल हुआ है। मैं आपको बर्फ उठा के दिखाता हूँ, रुको ये देखो
ये देखो ये एकदम फ्रेश स्नो है। अरे एकदम फ्रेश स्नो है, देखो ये बहुत टाइट है, ये आप किसी को मार भी सकते हो एंड इससे खेल भी सकते हो। और ये वाला पहाड़ देखो मेरे पीछे, ब्लैक माउंटेन्स, मतलब आप जब गैंगटॉक से इस तरफ आओगे आपको ग्रीन पहाड़ दिखेगा, फिर स्नो केप्ड पहाड़ दिखेगा, उसके बाद ये ब्लैक पहाड़ दिखेगा, मतलब ये सबसे ऊंचा वाला पहाड़ है और ये बहुत खड़ा चट्टान है, क्या बोले। ठीक है चलो इसको किसी को मारते हैं। तो ऐसे ही हम खेलते हैं यहाँ पे। ठीक है चलो यहाँ पे थोड़ा फोटोज खींच लेते हैं, थोड़ा फोटोज खिंचवा लेते हैं। और अगर आप याक राइड करना चाहते हो तो कर सकते हो। देखो याक राइड ना सीजनल में, मतलब सीजन टू सीजन रेडी होता है, जब पीक सीजन होता है ना, 360 रुपीज़, 350 रुपीज़, 500 रुपीज़ तक भी जाता है याक के साथ फ़ोटो खिंचवाना, प्लस याक पे ऊपर उठ के मतलब उस पर घूमना। तो हमने यहाँ पे आया तो यहाँ पे हमें बोला कि 100 रुपीज़ लगेगा याक के साथ फ़ोटो खिंचवा के 2-3 राउंड मारने के लिए। इनका जो शरीर का बाल होता है ना खतरनाक है। और एक चीज़ देखा मैं, मतलब ये उतना एग्रेसिव नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर्स, ये उतना एग्रेसिव है भी नहीं। मैं वहाँ पे जाके दिखाता हूँ एक बार, रुको। ये बहुत अच्छे हैं, मतलब बहुत शांत स्वभाव के हैं। ये देखो बहुत अच्छा है ये वाला याक। अच्छा सुरपी जो होता है ये इनके दूध से ही बनता है ना, सुरपी याक के दूध से ही बनता है ये सुरपी, यहाँ का लोकल लेक क्या बोले, वो दूध को सुखा सुखा के जमा जमा के बनाते हैं। गाइज मैं अपना हाथ रख के इसमें मुझे फील हो रहा है कि इसका फील हो रहा है कि इनका जो फर है कितना गर्म है मतलब मैं अपना हाथ सेक सकता हूँ यहाँ पे। सो गाइज बताना मुझे कैसा लगा तुम लोगों को छंगू लेक का वीडियो, एंड अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, वो तो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलो यहाँ से जाएंगे बाबा मंदिर, उसके बाद जाएंगे नथुला पास। गाइज एक छोटा इन्फॉर्मेशन मैं देना भूल गया, ये है छंगू शिव मंदिर, तो यहाँ पर आओ तो ऑफकोर्स यहाँ पे थोड़ा प्रणाम करके जाना। जय बोले। चलिए शिव मंदिर से प्रणाम करने के बाद अभी जाने का वक्त हो गया, चलते हैं। कहाँ जाता है भैया? ओह अच्छा गाइस ये वाला जाता है नथुला, ये वाला जो रास्ता जा रहा है ये अभी नथुला पास जा रहा है, और हम साइड से बाबा मंदिर जा रहे हैं, जो कि दो रास्ता डिवाइड हो जाता है, बाद में यहाँ से लौट के ये वाला रास्ता लेके हम नथुला जाएंगे वहाँ से घूम के। ये वाला देखो सुशीले को। सो गाइज छंगुल लेक से 25-30 मिनट जर्नी के बाद हम अभी पहुंच चुके हैं यहाँ पे न्यू बाबा मंदिर। ये वाला ओल्ड बाबा मंदिर नहीं है, ये जो जगह है ये कम्प्लीटली नया बनाया गया है। एक्चुअली ओल्ड बाबा मंदिर वो भी जा सकते हैं, लेकिन उस वहाँ पे जाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस दिया लगेगा,
और वहाँ पे वो एकदम मतलब चाइना बॉर्डर के पास है ना, तो उस पर कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो इसलिए वो वाला बाबा मंदिर को अलग रखा गया है और यहाँ पे एक अलग सा बाबा मंदिर बनाया गया है जो बाबा मंदिर फील लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप आके उसका सिमिलर मतलब एटमोसफियर आपको मिलेगा, लेकिन ये एक्चुअल वो वाला नहीं है जहाँ पे आपको समाधि फिर उनका सब कुछ मिलेगा, मतलब उनका ऑफिस रूम वो सब नहीं मिलेगा एक्चुअल वाला। वो एक्चुअल अगर देखना है तो आप लोग एक्स्ट्रा पेमेंट करके न्यू ओल्ड बाबा मंदिर जा सकते हो, जो कि यहाँ से 6-7 किलोमीटर एक्स्ट्रा है। और गाइस स्नोफॉल हो रहा है स्नोफॉल से और टाइमिंग इतना अच्छा है हमारा कि हम यहाँ पे आके ही स्नोफॉल हमें मिल गया। और यहाँ का जो हवा है एकदम जमा देगा, यहाँ का जो टेम्परेचर है बहुत जमा देगा। तो ठीक है, इसके अंदर अभी जाएंगे, जाके वो पूरा अंदर वाला चीज़ देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, ये वाला बाबा मंदिर है, वहाँ पे एक कैफेटेरिया इलाका है, वहाँ पे बाबा हरभजन सिंह का एक छोटा सा स्टैचू बनाया गया है, वो एक सोविनियर शॉप है। एंड वहाँ पे एक शिव मंदिर है, वो दूर में देखो उसके पास ही एक वाटरफॉल है। ये है बाबा हरभजन सिंह, जिनके बारे में बहुत ही फेमस कथाएं बोली गई थी, जो एकदम मतलब आर्मी के एकदम जगे हुए सिपाही थे और डेडिकेटेड सिपाही थे, जिनका एक कॉन्वॉय क्रैश में डेथ हो गया था। तो यही है मेरे पीछे, यहाँ पर डोनेशन बॉक्स है, आप कुछ डोनेशन दे सकते हैं। हमको भी छुट्टी छुड़वाओ यार दिलीप सर। जय हिंद सर। जय जय। तो गाइस अंदर से हमें प्रसाद मिला, कि प्रसाद लकी थे हम थोड़ा कि यहाँ पे हमें प्रसाद मिल गया। फिर प्रसाद खाते हैं, प्रसाद में किशमिश है और थोड़ा पफ्ड राइस है, तो चलिए खाते हैं। गाइस ये देखो क्लिफ, मैं एकदम एज पे खड़ा हूँ, यहाँ से क्लिफ स्टार्ट हो रहा है, बहुत खड़ा है फोन में नहीं में। और ये वैली देखो, और मेरा हाथ देखो एकदम सुन्न हो चुका है, देखो मेरा यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से कितना दाग चला गया है उंगलियों में, बात भी नहीं कर सकता मैं, मेरा जबान कांप रहा है।